हरा दिया ना, लेकिन ये है कि भाई आप लड़कियां लड़के क्या यहाँ पे तो लड़कियां क्या लड़के भी रोए हैं यहाँ, बहुत रोए हैं, मुंह देखने वाला था यार। मैं कहता हूँ कि हमारे घर के पास ही वो एक स्क्रीन बड़ा लगा हुआ था, वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो कुर्सियां पड़ी थी लोगों ने वो भी तोड़ दी थी गुस्से से। जो थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हैं, ओवर एक्टिंग ना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है असल में। जो कोई ओवर एक्टिंग करे, ओवर कपड़े पहने और मतलब ऐसी चीज जो दूसरों से डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा लोगों को आजकल के लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो फिर वो रोएंगे, आप हंसोगे वो रोएंगे। ऐसे इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे ड्रामेबाजी होने वाली है, बहुत सारे इमोशंस सीखने वाले हैं, सो कॉल्ड इमोशन, जबरदस्ती के इमोशन, तो उसे ओवर एक्टिंग का नाम दे दिया गया। तो देखते हैं इसी चीज़ पे आज का मिक्स मैसअप रिएक्शन। आपको मेरे सेशन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लेंगे डायरेक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीलंका वालों ने कमी छोड़ दी हो तो मैं भी सजा दूं। ये श्रीलंका की टीम। जी हाँ, और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, मोहम्मद हसनैन ने 4, हारिस रोज ने 4, शादाब खान ने 4, इफ्तिखार अहमद ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी आउट किया। ये कब हुआ? कल जब से पाकिस्तान हारा है मुझे बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू। आप अपना काम करो ना भाई, पाकिस्तानी हमेशा बड़बोलेपन के शिकार रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे 1965 तो जंग में हमने उनको शिकस्त देकर हमने डिफेंड किया था, ऐसे आज हमने डिफेंड किया। बट में हम इस चीजों को नहीं लाना चाहिए, आपको नहीं लगता? हाँ, ये पाकिस्तानी को अच्छा लगता है, भारत को एक मैच में हरा दिया तो हमने पूरी जंग जीत ली है, इनके पैर जमीन पे नहीं गिरते। इतने बड़बोले बोल बोलने लग जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। हमारा जो पहला मैच जो हम हारे हैं ना, वो इस वजह से हारे हैं क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी हुई थी कि हमने पानी छोड़ देना है। चड्ढा समझाओ इसको, समझाओ। और हमारी आवाम इतनी ज्यादा है जो शीली है कि हमने वाइपर से पानी वापस भेज देना था उनको, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। बाकी है कि पाकिस्तान भाई तुमने मैच जीता, कोई जंग नहीं जीती। सही बात है, सही मैच की तुम्हारी निकाली थी क्रिकेट में। और श्रीलंका ने जो खुमारी निकाली इसके बाद पाकिस्तानी गर्ल्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि हम हार गए। इस बिचारी का तो ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। अरे तो लग गए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। रोना बंद कीजिए, यकीन नहीं हो रहा था। मतलब बीच में फील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनको इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था। और दुख बहुत हो रहा, अभी एक दो दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किससे बात करना बहुत मुश्किल। किस किस पे आपको आज था? आप तो कह रही थी बबर भी आज स्कोर करेगा सारे, क्या इनको क्या हुआ? पूरी टीम ने ऐसा किया है, अब किस किस का नाम लेंगे हम? ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कैप्टन चला जाता है तो बाकी प्लेयर्स के भी हौसले टूट जाते हैं ना। जी जी, क्या आपका क्या आगे प्लान है? आप तो यूरोप से आई हुई थी यहाँ पर, आपको तो कप लेके जाना। मेरे घर में जो मेरे दो एम्प्लॉइज हैं मेरे ऑफिस में, घर में जो मेरे काम करते हैं वो श्रीलंका से हैं। मैं उनको भी लेकर आई कि पहली बार आप जाओगे मैच देखोगे। मैंने अपने एम्प्लॉइज को टिकट दिखाई कि आप चाहें श्रीलंका के लिए खेलें, टिकट दिलाई उनको। और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पड़ोस वाले, मेरे दोस्त जितने भी हैं, मैंने सबको स्पॉन्सर किया। तो हम काफी एक्साइटेड थे, लेकिन हार जीते ना, अब क्या कह सकते हैं, आखिर में तकदीर पे इल्जाम लगा दिया जाता है। मगर मैं देखें ना, आज शादाब चला ना, अब शादाब ने कैच छोड़े, वो सीधे कैच थे बिल्कुल हाथ से पकड़ के, अगर वो कैच भी पकड़ लेते हम तो कुछ करीब आ जाते मैच के। तो अब आप ना मुझे मजीद दुखी कर रहे हैं, सारी चीजें याद दिला के। सारे हंसू हैं ये, आप हमें नहीं, आपको हमें नहीं पाकिस्तान से प्यार, हमें भी प्यार है उतना ही, हम भी उतने डिसअपॉइंटेड है। अब आवाम को तो पता चलना चाहिए ना कि ये इतनी बड़ी टिकटॉकर है, बेचारी परेशान है, आंसुओं के साथ रो रही हैं। मगर अब आपको
टीम को हमें क्या बकअप करना चाहिए या इनको क्रिटिसाइज कर या बाबर को चेंज करना? रोए ना प्लीज, एक मिनट पहले चुप करें। बाबर को हम चेंज नहीं करेंगे। मैं इतना कहूंगी कि हम 100 बार भी आ रहे हैं, हमें तो हम टीम से प्यार है ना, हम तो फिर भी मैच देखने आएंगे। लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद जवाब जो तुम जीतो यो हारो। खैर नहीं भाई, मैं और नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि इंडिया वाले मेरे के लिए वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारे के लिए लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखा जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। ओहो मैम, आपसे तो बात नहीं हो पा रही। अब मैं क्या आपसे, मैं भी आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, पर आपको मैं पानी दूँ? नहीं, मैं पानी दूँ। इतना कहना चाहती हूँ कि हम हार गए। ओके बाय। बागी है, इतना सुकून। जब बात चल रही है पाकिस्तान के मातम की, तो इस मातम के अंदर अगर प्यारी प्यारी पाकिस्तान की लड़कियां शामिल ना हो तो मजा कैसे फिर? ये पता नहीं, आई थिंक एक्टर 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 अपने पैसे बना लिया, वो मजे कर रहा है, मजे कर गया। जीता हुआ मैच हार गए हम। नो कमेंट, सॉरी। फिर भी किसकी गलती थी, किसने दुखी किया आपको आज? जाहिर है पाकिस्तान ने किया दुखी। तो ये दुख कितने दिन? फर्स्ट टाइम हम इतने शौक से देख रहे हैं। पहले एक मैच देखने बस बहुत दिन। अभी ये दोबारा नहीं आगे देखेंगे। आपको उम्मीद थी ये जीत जाएंगे जो हालात चल रहे थे शुरू से? हमें बहुत उम्मीद थी लेकिन एंड पे सब खराब हो गया। बस अच्छा नहीं खेले, बैटिंग नहीं अच्छी थी हमारे पाकिस्तान की तरफ से, बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं, बॉलिंग अच्छी है उसमें सही रहते हैं, बैटिंग की मिलनी चाहिए। अब नहीं देख लेंगे मैं। नहीं अब नहीं। मैंने बोला था ना बच्चों के फोर्स करने पे आई हूँ, मुझे मैंने बोला था ना। अच्छा खैर नहीं, छोड़ो अभी इन बातों को, भूल जाओ अभी, भूल जाओ। पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे, एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आगे मामू कहते हैं बड़े खुशी से कहते हैं क्या ठीक हो अब कैसे अम्मी कैसी ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है। क्रिकेट मैच हार गया, श्रीलंका ने बड़ा अच्छा गेम खेला, हम मामू हम ठीक है, श्रीलंका वाले जीत गए, बोले उन्होंने बड़ा अलग गेम पेश किया। अब तुम लोगों ने बेकार गेम पेश किया उनको, तो तुमने टाइम जो है वो सारा काम कर दिया था, मैं तुम्हें प्लेट में मिला पका पकाया, तुम हार के आ गए। श्रीलंका वाला प्लेट मेरा के दिया। हां बहुत कम रन था यार, बिल्कुल जैसे ये 1-1 रुपए में फेंके हुए थे, इसके बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं हमारे बच्चों के मामू बन गया। खैर एनीवे एनीवे मूव फॉरवर्ड, अभी मुझे बहुत गुस्सा है, मैं उल्टी सीधी बातें करूंगा, इसलिए नहीं 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग भी पीछे नहीं रह सकते क्योंकि आपके पास में है कलम की ताकत और कलम की ताकत आप दिखा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं तो कहती हूं 10 नंबर इसकी एक्टिंग की काट लो, सच बता रही हूं, फजूल तरीन एक्टिंग की है इसने। और यहाँ पर जिस तरह से रो रही है, इसको पता था ना मूवी रिकॉर्डिंग कैमरे चल रहे हैं, और मैं तो वैसे थोड़ी बहुत फेमस हूँ, जब मेरे ऊपर कैमरा आएगा तो लोग बोलेंगे हाँ ये तो रो रही है, ये तो रो रही है, ये तो फेमस है, ये तो रो रही है। चाहे वो किसी भी कंट्री का प्लेयर हो भाई, देखो अब हम एज एन हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के, लेकिन अगर बात करी जाए एग्जांपल, मैं अभी यहाँ बाबर का एग्जांपल देता हूँ, वो बंदा ऐसा तो है नहीं कि रात को बैट उठाया कल सुबह टीम में सेलेक्ट हो गया, तो परसों अच्छा करा तो तालियां बजी, तरसों बेकार करा तो टीम के बाहर कर दो। तो ये थी सॉलिड मजेदार वीडियो, एकदम बिंदास वीडियो। यस, ओवर एक्टिंग की कुछ दुकानें दिख रही थी इस पूरी की पूरी वीडियो में, जबरदस्ती रोया जा रहा था। एक होता है इमोशंस आना दिल से इमोशन, एक आता है जबरदस्ती का रोना, दिख जाता है उसमें कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिख रहा था वो जबरदस्ती रो रहे थे अटेंशन पाने के लिए, लेकिन मजा आ जाता है देखने वाले को एक अलग ही रूप का। तो ये थी आज के बारे में एक सब रिएक्शन, आपको मिक्स रिएक्शन देखने मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल सब्सक्राइब जो करना, मिलते दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।